नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों आपके लिए रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज हम मॉडल सेट नंबर 247, 248, 249, 250, 251 एवं 252 एवं पेज नंबर है 236। तो मॉडल सेट नंबर 247 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में एकमात्र बार उल्लेखित नदी गंगा है। ऋग्वेद में एकमात्र बार उल्लेखित नदी कौन सी है? गंगा। भारत के केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरला में। रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग का कोष में रहना चाहिए। रिजर्व बैंक को नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितना रुपये मूल्य वर्ग का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपये रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक रामास्वामी नायकर थे। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन था? रामास्वामी नायकर थे। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान देश से लगा है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा कहाँ से लगा है? अफगानिस्तान देश से लगा हुआ है। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगा हुआ है। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा कहाँ से लगा हुआ है? बांग्लादेश से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियार है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट धुलियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। मदुरई कह किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। पुरापाषाण काल के लोग निग्रेटो प्रजाति के थे। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रजाति के थे? निग्रेटो प्रजाति के थे। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक खेती केरल में होती है। भारत में काली मिर्च की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? केरला में होती है। भारत में लाल मिर्च की सर्वाधिक खेती आंध्र प्रदेश में होती है। भारत में लाल मिर्च की सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे बनाया गया है? चिनाब नदी। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। वर्तमान भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का पिता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। विश्व का चौड़ा जलप्रपात लाओस का खोन जलप्रपात है। विश्व का जो चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? लाओस का खोन जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किया गया 1952 ईस्वी को। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से लाओस को जाना जाता है। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाओस को जाना जाता है। पहली बार शून्य आधारित बजट को राजीव गांधी ने 1987-88 में प्रस्तुत किया था। पहली बार शून्य आधारित बजट को राजीव गांधी ने कब शुरू किया था? 1987-88 में प्रस्तुत किया था। संसदीय इतिहास में 25 अगस्त 2005 ईस्वी में आउटकम बजट पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संसदीय इतिहास में 25 अगस्त 2005 ईस्वी में आउटकम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक क्राउथर है। एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है? क्राउथर है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। विश्व ग्लोब के प्रथम निर्माता मार्टिन बैहम थे। विश्व भूगोल के प्रथम निर्माता कौन थे? मार्टिन बैहम थे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडलीय खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडलीय खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। सी ऑफ ट्रांक्वालिटी चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप के कौन से द्वीप के नाम से जाना जाता है? सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होनसू तथा सबसे छोटा द्वीप सिकोकू है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होनसू तथा सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सिकोकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? शंघाई को कहा जाता है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम किसे जाना जाता है? मोंटे कार्लो को जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्यों की संख्या 9 है। भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। डालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। डालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क जैसलमेर में स्थित है। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम में स्थित है। डाम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में स्थित है। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। किसको उग्रसेन कहा जाता था? महापद्मनंद को। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवें शिशु कन्या का नाम आस्था रखा गया है। भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या है? आस्था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंद गुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंद गुप्त ने करवाया था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला डिंड्रा डॉटिन है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है? डिंड्रा डॉटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वगंज का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ था? 700 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। अपने जन्मदिन पर दो बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 1964 से 1968 ईस्वी थे। अपने जन्मदिन पर दो बार बजट प्रस्तुत करने वाले मोरारजी देसाई था, जिसका कब कब थे? 1964 और 1968 ईस्वी। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसन है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र कौन सा है? सैमसन। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को सलीम अली की जन्मतिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। उस दिन सलीम अली का जन्म हुआ था, जो कि पक्षी वैज्ञानिक का नाम से जाना जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हुई थी। मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुआ था? 5 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली में इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति 1971 ईस्वी में जल रहा है। दिल्ली में इंडिया गेट मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रहा है? 1971 ईस्वी से जल रहा है। ज्योति रंधावा भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। ज्योति रंधावा क्या है? भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है, जिसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्त हिकी ने किया था। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्त हिकी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मारतंग है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मारतंग है। आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? अबुल फजल थे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्री मधुबाला को विनस की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। किस अभिनेत्री को विनस की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है? अभिनेत्री मधुबाला को। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई 1947 ईस्वी ने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। कब पेश किया था? 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना INS विक्रांत है। भारत का प्रथम जल विमान वाहक जल सेना कौन है? INS विक्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरला है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरला। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। दक्षिणी ध्रुव संधि पर 1960 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ। दक्षिणी ध्रुव संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1960 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशिया डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी को हुआ था।
एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी को हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एडीबी के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला में है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। डीएनए जांच केंद्र हैदराबाद में स्थित है। डीएनए जांच केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक भवभूति है। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति है। बौद्ध धर्म मानने वाले वालों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। बौद्ध धर्म के मानने वाले की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में किया था। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब किया था? 1905 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन का आधारशिला अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों के उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेलों के उत्पादन से है। लोबर संग्रहालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। लोबर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की पहली महिला रीता फारिया 1966 ईस्वी थी। विश्व सुंदरी चुनी गई भारत की पहली महिला कौन थी? रीता फारिया थी, जो कि 1966 ईस्वी की थी। किताब द इनसाइडर के लेखक पीवी नरसिम्हा राव है। किताब द इनसाइडर के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है। नेवर गांधी नॉट एगेन पुस्तक के लेखक उमेश सहगल है। नेवर गांधी नॉट एगेन पुस्तक के लेखक कौन है? उमेश सहगल है। प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलोड़े के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलोड़े के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? मामल्लपुरम में स्थित है। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल थी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।